मतलब ये चीज फिर इधर लिखा गया है, मात्र हमारे बेटे का नाम काली जगदीशपुर निवासी एक वर्षीय मतलब एक साल का लड़का युवराज जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए। आप लोग यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ समाज में अच्छी चीज को देना चाहते हैं, तो थोड़ा समय लगता है बट धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं दोस्तों। और अभी हम जैसे कि कल हमारे बेटे का बर्थडे था, तो हम आप सभी को बताएं कि बहुत ही खुशी की बात, उस दिन हम अपने बेटे का पहला खुशी का बात निकला, पहले बेटे का बर्थ मतलब पहला बर्थडे बेटे का मनाए हैं, जिंदगी में पहला हम लोग जन्मदिन मनाए हैं। हम हमारे माता पिता हमारे नाना नानी कोई लोग मतलब हम ही लोग थोड़ा डिजिटल हुए हैं अपने परिवार में कि बर्थडे मनाए बेटे का। और बेटे के जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा हम लोग सोचे किए और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिला। जैसे कहा जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, तो समझ लीजिए एक बेटे को हमने पैदा किया बट बेटे के जन्मदिन के जो है दिन हम लोग एक अलग चीज़ किया है, जो कि देख सकते हैं पालती के हाथ में है अमर उजाला का पेपर, और पेपर में दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं जो कि बखूबी लिखा गया है कि जन्मदिन का उपहार धरती करे सिंगार, जन्मदिन पर बच्चे से पौधे लगवाएं, अखबार में फोटो छपेगा, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों को जोड़ने के लिए अमर उजाला ने अनूठी मुहिम शुरू की है। अपने अपने 10 वर्ष तक की उम्र में बच्चे से उसके जन्मदिन पर पौधा लगवाएं, पौधा लगाते हुए बच्चे का फोटो मतलब ये चीज फिर इधर लिखा गया है, मात्र हमारे बेटे का नाम काली जगदीशपुर निवासी एक वर्षीय मतलब एक साल का लड़का युवराज जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए। आप लोग समझ सकते हैं हमारा बेटा मात्र एक साल की उम्र में एक पहला वृक्ष लगाया, और अगर उस चीज को देखते हैं तो एक हिसाब से आप भैया लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आपको नहीं आपके परिवार को भी सुकून देगा वो चीज, सही है ना। और आप उसके छांव में, हमारा बेटा उसी के साथ साथ पलेगा बढ़ेगा, जिस दिन वो बड़ा होगा उसी को फल देगा, प्लस पॉजिटिव एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, उसके बाद ऑक्सीजन देगा, शुद्ध वातावरण देगा, जैसे कि समझ सकते मालती ये चीज़ है ना। और जब बेटा हमारा देखेगा उस चीज़ को कि हमारे पिताजी ने मेरे पहले जन्मदिन पर हमें गिफ्ट दिया पेड़ लगाने के लिए, और अभी हम लोगों ने इसके साथ साथ आगे भी कार्यक्रम शुरू किया है कि आज मैं अपने बेटे के लिए अगर ये चीज़ कर सकता हूँ तो भविष्य में आने वाले समय में मेरा बेटा भी कुछ अच्छा ही करेगा। अब आप लोग देखिए दिया। और दोस्तों इधर जो बात हम अभी इस समय जो विवाद को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट है ये चीज़ है वो चीज़ है, तो हम उसको इस वीडियो में साइड करते हैं, सिर्फ सामाजिक कार्यों को लेकर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आप भी अगर चाहें तो आप एक अपना वृक्ष लगा के और उसको देखिए, मैं इतना कहता हूँ एक बेटा पैदा कर लीजिए और एक वृक्ष पैदा करिए और 10 साल बाद उसको देखिए और 10 साल बाद वृक्ष देखिए, दोनों चीज आपको वही चीज़ देगा। बेटा आपका वंश बढ़ाएगा, जो वृक्ष है आपको हमेशा सुकून ही देगा, कहीं ना कहीं मरते वक्त भी वो वृक्ष आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। कहा जाता है कि पहले कहा जाता था कि अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, मतलब कविताएं ऐसे ऐसे चलते थे, हम लोग पढ़ते थे उस चीज़ को लेके वृक्ष को। और पर्यावरण की जो परिभाषाएं और पर्यावरण जो है, पर्यावरण किसे कहते हैं तो परिधन आवरण, मतलब कि जैसे पेड़ कभी भी आपको मतलब निगेटिव ऊर्जा नहीं दे सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही ऊर्जा देता है। और खुशी की बात है कि हमारे बेटे के बर्थडे में बहुत ही खुशी, बहुत भाई लोग आए और कुछ अलग प्रयास किए, और एक मूवी का भी मुहूर्त हुआ है जो कि उसमें फुवरी बनेगी हीरो। उम्मीद अरे छोड़ो वो विवाद को, हम नहीं लेते हैं विवाद को छोड़ के, और उस चीज़ को लेके ये चीज़ कहते हैं कि आप लोग भी अपने बेटे के जन्मदिन पर एक एक वृक्ष लगाएं, और आप लोग भी समाज को स्वच्छ बनाएं। और अश्लीलता की जो बात है और फलाना ढिमका है इस वीडियो में नहीं करने वाले, क्योंकि वो चीज़ आगे बताते हैं करते हैं मुद्दे की बात, लेकिन इसमें है कि आप लोग भी अपने परिवार के खुशी के लिए, लोगों के मतलब परिवार कल्याण के लिए और वर्षा हेतु के लिए प्लस समाज के लिए एक वृक्ष लगाएं, और वृक्ष कभी वो चीज़ नहीं करता है। और बस यही कहते हैं
कि आप लोग जो भी करिए, एक सामाजिक कार्य यदि करते हैं, साल भर में एक करते हैं तो लोग साल भर उसको गुराते हैं, तो एक सामाजिक कार्य अवश्य करें और हो सके तो लोगों का मदद करें, और जहाँ तक है मतलब इधर उधर की जो उस चीज़ों से बचें और आप लोग करें। और आगे हम जो वीडियो इसके बाद डालेंगे आप सब जरूर देखिएगा, और जो सच्चाई अच्छाई उस पर आप लोग टिके रहिएगा, बताइएगा।